चीनी डाल दी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के करम से हम लोग भी ठीक ठाक हैं। तो आज हम बना रहे हैं सेवियाँ और हमें लगी है भूख, इस वजह से बना रहे हैं। हमने सालन तो बनाना है, आलू मटर ये मेथी, और मैंने ये नमक लगा के रखा है। आलू हो गए काले, अभी इसको धोएंगे तो ये साफ़ हो जाएंगे। सेवियाँ हमने दम पे रख दी हैं, तो अभी हम ये बना लेंगे। प्याज हांडी हमने ऊपर चढ़ा दी है। तो जी हम लोग ये मिर्ची मैं कूट रही हूँ और अदरक, आज मैंने तंदूर नहीं जलाया क्योंकि उसमें ये फिर मैं चीज़ें नहीं ऊपर बना सकती, वो मुझे झंझट लगता है, तो अलग से बनाऊँगी तंदूर रोटी के लिए। बड़िया बटेन दे आपसे बटेन दे हाँ हाँ तो गोरी भी बनी हो ये तो मेरी रखो तो तुमने लाई रखो तेरा बन दिया ना सुना ऐसा को और बड़े बड़े लच्छे बना के बनिया तो। तो जी अभी हम डालेंगे इसमें मसाले,
मोड़ ना। हमने सारा कुछ इसमें डाल दिया, अभी हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे, फिर डालेंगे पानी। तो जी हमने ये मेथी काट के इसमें डाली है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अभी हमने हमने इसको पानी लगा दिया। जी तो हांडी हमारी हो गई तैयार, हम अभी इसको नीचे उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाह, क्या खुशबू आ रही है। मेथी मैंने जो डाली है उसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, और हमारा सादा सादा सालन होता है, हम ना तो इतने मसाले खाते हैं। तो सालन बहुत मज़ेदार होता है हमारा। तो जी हमने लकड़ियाँ जला इसमें डाल दी हैं, अभी हम इस पर रोटी भी बनाएंगे, और अभी हमारा आटा भी नहीं गूंदा हुआ तो मैं गूंदूंगी, और सालन मेरा हो गया तैयार। तो अभी हमें मेरी ये थी हमारी रेसिपी, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और घंटी के बटन को ज़रूर दबाया करें, मुझे कमेंट्स में भी बताया करें, और अभी मुझे दी इजाज़त।